हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम पटलेसर। हम बात करने वाले हैं आज प्री वेटनरी एंड फिशरी पीवी एंड एफटी टेस्ट जो हुआ था आपका 2022 में, तो इसका रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग किन किन काउंसलिंग कब तक होगी? तो मैंने पहले कहा कि काउंसलिंग के लिए अभी कोई ऑफिशियल डेट आई नहीं है, पर 10 दिसंबर के पहले पहले तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10 दिसंबर के पहले पहले एक बात है, जैसे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे बार 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 कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, कितने नंबर का सिलेक्शन होगा, मेरी ये रैंक आई है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसी बारे में मैं एक सटीक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट जो है जेन्युइन वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे समझने थोड़ी सी उससे पहले की बात करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो बिना स्किप के देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, ठीक है, नानाजी देशमुख जी के नाम से है, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में ये है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जो कोर्स करने वाले हैं, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन का जो कोर्स करेंगे, मतलब कौन सा कोर्स है ये, BVSC एंड AH का जो कोर्स है वो कोर्स यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, ये कोर्स है महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए। तो विश्वविद्यालय कौन है, नानाजी देशमुख जबलपुर है। इसके अंतर्गत तीन कॉलेज आएंगे, जो एक जबलपुर खुद है, दूसरा मऊ है, तीसरा रीवा है। ठीक है, इसमें तीन कॉलेज आते हैं। कितने कॉलेज है इसमें, तीन कॉलेज, ध्यान रखिएगा। ये खुद एक जो विश्वविद्यालय है, ये खुद एक है ना, और दो कॉलेज और मऊ में रीवा में ये हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, मतलब मत्स्य विज्ञान का जो कोर्स है, मतलब BFSC का जो कोर्स करेंगे आप, फिशरी वाला, मत्स्य वाला जो कोर्स करेंगे वो इसके अंतर्गत, इसमें एक ही कॉलेज है, ये खुद जबलपुर वाला जो है। ठीक है, ये एक ही कॉलेज है इसमें। ठीक है, एक ही कॉलेज है इसमें, 42 सीट है, और ये तीन कॉलेज है इसमें, 225 सीटें हैं। इस बात का मैंने पहले भी वीडियो में बताया, तो कहाँ कहाँ कॉलेज हैं और किस यूनिवर्सिटी से इनका संबंध है और कौन सा कोर्स आप कहाँ कहाँ पे करेंगे, ये बातें हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, देखिए है ना, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में सीटों का यहाँ पे आवंटन दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 225 जो सीट है किसकी, BVSC की। ठीक है, BVSC वेटनरी साइंस, बेचलर वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री AH, ठीक है, डिग्री कोर्स। ठीक है, जो ADDIE, एक बार ध्यान रखिएगा, ADDIE जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू डिप्लोमा कोर्स होता है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स होता है। ये बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन मुझे कमेंट कर रहे हैं, है ना, इसके थ्रू जो ये भी एग्जाम हुआ था इन्हीं के साथ आगे पीछे, तो इसके थ्रू जो होता है वो एनिमल हस्बेंड्री AH, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा, 2 साल का कोर्स डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, परंतु यहाँ BVSC और AH जो है डिग्री कोर्स है, 5.5 साल का डिग्री कोर्स है ना, ये डिग्री कोर्स है PVFT के थ्रू, AH का डिग्री कोर्स, वेटनरी प्लस AH का डिग्री कोर्स होता है, इसके थ्रू डिप्लोमा कोर्स होता है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे देखो बात करेंगे अपन, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन BVSC कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो BVSC के तीन कॉलेज हैं, जबलपुर मऊ और रीवा, जबलपुर मऊ रीवा, जबलपुर अभी मैंने बताया आपको, तीन तीन। ठीक है, यहाँ पे जो है UR यानी जो जनरल कैटेगरी अनारक्षित है उसकी सीट दी हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, SC की सीट दी है, ST की सीट दी है, OBC की सीट दी है और EWS की सीट दी है। टोटल जो सीट है तीनों कॉलेज में मिलाकर के 225 है। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान समझेंगे, देखिए जनरल सभी की कैटेगरी के लिए, ये एक्स एक्स का मतलब है ये ओपन कैटेगरी है, इसमें मेल्स जो है ओपन मेल्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब है, एफ का मतलब फीमेल है, के का मतलब है कृषक, कृषक मतलब किसान, किसान वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल किसान वर्ग के बच्चों के लिए सीट यहाँ पर है, पर यहाँ पे देखो जनरल में 0-0 सीट है। FF का मतलब फ्रीडम फाइटर जो है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है उनके बच्चों के लिए ये सीट है ना, यहाँ पे सैनिक जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे सीट है, और ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे सीट है। ऐसी पूरी सीट जो है इसमें 81 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए 81 सब में ऐसे कैटेगरी बटी हुई है। तो यहाँ पे देखिए कृषक, क्योंकि मैं इसके बारे में आप कृषकों को स्पेशल इसमें कुछ सीट और कुछ स्पेशल जो है आरक्षण दिया जा रहा है कृषकों के बच्चों के लिए, जैसे यहाँ पे देखो सबके लिए है ना, जैसे कि फिर कृषक के बच्चों के लिए भी यहाँ पे स्पेशल आरक्षण है, अलग से है ना आरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, सैनिक और फिजिकल हैंडीकैप को तो मिलता ही है, तो यहाँ पे तीन जो चीज़ें हैं, तो आप ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, सैनिक हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ट है, ये तो सब जनरली मिलता ही है, पर यहाँ कृषकों को भी जोड़ा गया है क्योंकि ये कृषि से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, कोर्स हो रहा है तो इसलिए कृषकों के बच्चों को भी कुछ यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, कुछ अलग से सीट मतलब जो है उसी में से कुछ अलग कोटा दिया जाएगा, पर यहाँ जनरल के लिए बिल्कुल सीट नहीं देख रहे आप, पूरा 0-0 सीट है। पर यदि SC में चलते हैं आप तो कृषक की जबलपुर में 1 सीट, जबलपुर में 1 सीट और मऊ में 1 सीट है कृषक के लिए स्पेशल।
ठीक है, कुल मिला के 2 सीट। यदि हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे कृषकों के लिए देख लेंगे, मऊ में 1 सीट है किसकी, एसटी की, और रीवा में भी 1 सीट है एसटी की कृषकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, यदि ओबीसी में अपन देखें तो कृषकों की दोनों ही कॉलेज में, तीनों ही कॉलेज में एक एक सीट है, 3 सीट यहाँ पर है, तीनों सीटें यहाँ पर है। और ईडब्ल्यूएस में यदि अपन चले तो ईडब्ल्यूएस में कोई भी जो है नहीं है, बस यहाँ पे जो है ओपन कैटेगरी है और फीमेल्स है बस, यहाँ पे कृषक के लिए कोई सीट नहीं है। तो कृषकों के लिए कुछ सीट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीटों का आरक्षण कृषकों के लिए स्पेशल है। ठीक है, इन कॉलेजों में जो कृषक बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे नंबर यदि अच्छे लाते हैं तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, ठीक है, यूआर जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी उनकी 81 सीट है। ठीक है, एससी की जो है 35 सीट है, एसटी की जो सीट है वो 43 है, और उसके बाद जो है ओबीसी की जो सीट है वो 58 है, और टोटल जो सीट है 8 सीट है किसकी, ईडब्ल्यूएस की, टोटल मिलाकर के 225 सीट है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कृषक वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए स्पेशल यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है। देखिए यहाँ पर तो ये मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत सीटों का आरक्षण दिया हुआ है, तो मत्स्य विज्ञान में भी देखो जबलपुर में केवल एक ही कॉलेज का है मत्स्य विज्ञान के लिए। ठीक है, जो आपका कोर्स है BFSC, ठीक है, BFSC कोर्स के लिए एक ही सीट यहाँ, एक ही कॉलेज यहाँ पर है, कौन सा, जबलपुर कॉलेज है, और जनरल की जो सीट है वो 15 है, इसमें कृषकों के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है, ओपन जो है 10 है और फीमेल के लिए 5 है, बाकी फ्रीडम फाइटर भी नहीं है यहाँ पर, सैनिक भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से 15 सीट टोटल यहाँ पे है। एससी में 4 और 2 6 हैं, बाकी 10 सब देखो 0 0 है, कोई भी सीट नहीं है, मतलब टोटल यहाँ पे जो जो स्पेशल आरक्षण होता है मतलब कृषकों के बच्चों के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, सैनिक के लिए और फिजिकल हैंडीकेप के लिए बिल्कुल सीट नहीं है, यहाँ भी सीट नहीं है, यहाँ पर भी इन लोगों की सीट नहीं है, यहाँ पर भी इन लोगों की सीट नहीं है, मतलब जो जितनी भी 42 सीटें हैं टोटल जो 42 सीट इसमें है, किस कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, BFSC कोर्स की बात कर रहा हूँ, BFSC बेचलर ऑफ फिशरी साइंस की बात कर रहा हूँ। ये जो कोर्स होता है 4 साल का कोर्स होता है, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, 4 साल का डिग्री कोर्स है ये। ठीक है, मत्स्य विज्ञान का डिग्री कोर्स है, तो इसमें ये 42 सीट और वो 225 सीट टोटल मिला करके जो है 267 सीटों का मैं आपको एक बहुत ही जो है 100% कट ऑफ जो है बता रहा हूँ कि किसका, इस वीडियो को देखने के बाद किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा वो श्योर हो जाएगा। इसलिए देखिएगा यहाँ पर आरक्षण दिया है मध्य प्रदेश राज्य की, क्या कितना कितना आरक्षण है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% है, ओबीसी के लिए जो है, ओबीसी की पुत्र पुत्रियों के लिए 27% और बाकी जो है ना स्थान आरक्षित रखे गए हैं ना। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, देखो सभी आरक्षित वर्गों में मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से कृषि व्यवसाय में स्थायी रूप से कार्यरत कृषकों, उनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, उनके पुत्र पुत्रियों के लिए 5% स्थान हॉरिजॉन्टल आरक्षित होंगे। 5% स्थान जितनी सीट है उसका 5% जो है आरक्षित रहेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कृषक आ रहा है कि नहीं बराबर नीचे, कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने 5वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं कक्षा में से किन्हीं 2 कक्षाओं में, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं किन्हीं 2 कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में नियमित छात्र के रूप में है ना अध्ययन किया हो, मतलब प्राइवेट छात्रों के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केंद्र से उपरोक्त में से कोई 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो। देखो यहाँ पे ध्यान रखिए, कृषक के बच्चे किन्हें माना जाएगा, आपके नाम पर खेती है ना, पर आप शहर में पढ़े हैं, शहर में रहते हैं, आपके नाम पर खेती है, से कृषक नहीं हो जाएगा। जो वाकई में गाँव में रहते हैं, जिनके बच्चे 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं इन क्लासों में से कम 2 क्लासों में, यानी 5वीं, 8वीं जो बोर्ड क्लासेस होती है उसमें कम से कम 2 क्लासों में गांव से नियमित अध्ययन किया हो, और यदि नियमित अध्ययन गांव से नहीं किया, यदि वो प्राइवेट छात्र रहा हो तो उसका जो परीक्षा सेंटर रहा हो वो गांव में रहा हो, ऐसी स्थिति में तब वो कृषक के जो जो 5% सीट है ना उसका वो लाभ ले पाएगा। केवल जमीन पर जमीन है आपके नाम पर आप शहर में रहते हैं, शहर में पढ़े हैं, आपने जो है आपके पिताजी के नाम पर जमीन है, आपके माताजी के नाम पर जमीन है, हो सकता है आपके नाम पर भी जमीन हो पर आप शहर में पढ़े हैं, गाँव में ये 2 कंडीशन को फॉलो नहीं करते तो आप कृषक कोटा का फायदा नहीं ले सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट डे अपन यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का। देखिए यहाँ पे अपन समझने वाले क्या है, देखिए यहाँ पे जनरल की जो सीट है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो आपका PVFP का एग्जाम हुआ है, इसमें जो है BVSC/AH की जो पोस्ट है वो 225 आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसमें जो फिशरी है BFSC की जो पोस्ट है वो है 42, तो टोटल जो सीट हो गई वो कितनी हो गई 267। टोटल सीट जो PVFT एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत
267 जो सीट है उस पर सिलेक्शन आपका होना है, मतलब 267 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। अब किस किस का होने वाला ये सटीक यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ठीक है, ये जो सीट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बना हुआ है जो टेबल बना हुआ है वो है किसकी, पशु चिकित्सा वाली जो है, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन वाली है, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन, मतलब BVSCN AH की पोस्ट है, AH की पोस्ट है ये, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की पोस्ट है। यहाँ पर मैं जो है BVF जो कोर्स है इसकी, मत्स्य वाली जो है BVSC की जो पोस्ट है उसको ऐड कर दे रहा हूँ इसमें, तो 15 पोस्ट इसमें है, ठीक है, जनरल में जो है 15 पोस्ट है जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को पहले। SC की जो पोस्ट है वो 6 है, ST की जो पोस्ट है वो 8 है, OBC की जो पोस्ट है वो 11 है, 11 है, और इसकी जो पोस्ट है वो कितनी है, यहाँ पे 8 पोस्ट है, 6 और 2 मिला करके ये 8 पोस्ट है, तो 8 और ये 2 10 पोस्ट है, टोटल मिला करके ऐसी इसकी 42 पोस्ट हो जाती है, तो 42 और 225 ये हो गए 267 पोस्ट, ठीक है टोटल। यहाँ पे आप समझना है, यदि हम इनको ऐड कर दें आप देख लीजिए, तो क्योंकि एक ही एग्ज़ाम हुआ है और इसी सिलेक्शन यहाँ पे होना है, आपको चूज़ करना है कि आपने किस एग्ज़ाम के लिए डाला था, वेटनरी के लिए डाला था कि फिशरी के लिए डाला था, उसके हिसाब से आपकी रैंक आई है ना, तो यदि फिशरी की रैंक अलग आई है और जो है आपका वेटनरी की जो रैंक है वो अलग अलग यदि आपने आई है तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, या मैं कॉमन में दोनों तरीके से बता रहा हूँ, कॉमन ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ये जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये 96 यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 41 पोस्ट हो जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कितनी हो जाएगी है ना, 51 पोस्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो है कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी, और ये 10 हो जाएगी, ठीक है, टोटल ऐसा बन जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, ठीक है, देखो जो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, यदि उनकी रैंक उनकी जनरल कैटेगरी में, ठीक है, उनकी अपनी कैटेगरी में रैंक यदि 96 के अंदर है, 96 के अंदर जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट है और 96 के अंदर यदि उसकी रैंक है तो उसका सिलेक्शन होगा। आप कमेंट में बार बार ये पूछते हैं सर कितने पे कट ऑफ जाएगा, कितने पे सिलेक्शन होगा, मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप ये वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। SC कैटेगरी का कैंडिडेट जो 41 रैंक से, इसमें मेल फीमेल सब कुछ, फिजिकल हैंडीकेप सब कुछ शामिल है, कृषक वर्षक सब टोटल बता रहा हूँ मैं, सब कुछ शामिल है इसमें, थोड़ा सा इधर उधर होगा क्योंकि ये सब आरक्षण जो है अलग अलग हो जाता है, तो इसमें अलग अलग सीटें बढ़ जाती है। और एक और बात इसमें जो महत्वपूर्ण होगी इसके बाद मैं बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, 41 जिसकी रैंक, SC की रैंक जिसकी 41 से नीचे दिखा रहा है, 41 या उसके अंदर है रैंक उसकी, तो उसका सिलेक्शन होगा SC का। ST जिसकी रैंक 51 के अंदर है, 51 या 51 के अंदर है, उसका सिलेक्शन होगा। OBC जिसकी रैंक 69-69 के अंदर है, उसका सिलेक्शन होगा। EWA जिसकी 10 रैंक के अंदर है, 10 के अंदर है, उसका सिलेक्शन होगा, उसके बाहर वालों का नहीं होगा। पर एक बात, जैसा कि आप लोगों को पता है कि SC ST OBC के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने टॉप किया है और बहुत ज़्यादा नंबर उन्होंने लेके आए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जिन SC ST OBC के ऐसे कैंडिडेट जिन्हें टॉप किया है, बहुत ज़्यादा नंबर लेके आए हैं, ऐसे कैंडिडेटों का सिलेक्शन कहाँ पे चल जाएंगे, वो जनरल में चल जाएंगे, उनकी सीट ये इसकी सीट कहाँ पे आ जाएगी, जनरल में, इसकी सीट जो टॉपर है उनकी जनरल में, इसकी सीट जो टॉपर है वो कहाँ जाएंगे, जनरल में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा बिल्कुल होता ही है, अब कितने लोग आएंगे, मतलब यहाँ से कितने लोग उठ कर के वो SC ST OBC कैटेगरी के तो हैं पर उन्हें बहुत ज़्यादा नंबर लाए, टॉपर हैं बिल्कुल अपनी कैटेगरी में, तो और वो कायमे को आ जाते हैं, किस सीट को कवर कर लेते हैं, यदि जनरल की सीट को कवर कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ के 5 जो कैंडिडेट हैं वो SC के यदि जनरल में जाते हैं, यदि ज़्यादा नंबर लाए हैं और जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये जो क्राइटेरिया है आपका ये कहाँ तक चल जाएगा, 46 तक चल जाएगा। तो मतलब जिसकी रैंक 46 है, अब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा 46 तक वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है 47 वाले का या 45 वाले का भी हो सकता है। अब यहाँ डिपेंड इस बात पर कर रहे हैं कि कितने यहाँ पे टॉपर बंदे हैं, कैंडिडेट हैं जो इधर जनरल सीट को कवर कर रहे हैं, जनरल सीट उनको मिल रही है ना, टॉपर यदि ज़्यादा नंबर लाए हैं, जनरल वाले नंबर को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ के वो 5 से 6 या 3-4 बच्चे जो भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से जो नीचे 41 के बाद 42, 43, 44, 45 रैंक वाले भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अंदर चल जाएंगे। सेम यही पोजीशन यहाँ पर भी आएगी, यदि ST के मान लीजिए 5 कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे 51 पे थे 5 कैंडिडेट, मतलब 56 लोग हो गए, तो 5 कैंडिडेट यदि यहाँ से उठ करके कहाँ जाते हैं, जनरल में, यदि वो टॉपर हैं जनरल में आते हैं, तो यहाँ पर भी जो 51 रैंक है वो 56 रैंक चल जाएगी, मतलब 56 वाले का भी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। सेम वैसे ही यहाँ पे 69, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ ज़्यादा पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे 10 पोस्ट ले रहा हूँ, कि माना कि ओबीसी के 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें ज़्यादा नंबर लाया हुआ है और वो यहाँ पे सिलेक्शन ना होकर के कौन सीट मिलती है उनको, जनरल वाली सीट मिलती है, ठीक है, जनरल की सीट उनको मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर 10 जो कैंडिडेट हैं वो बढ़ जाएंगे,
ना, 10 इधर आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में देखिए 10 इसमें और आप ऐड कर लीजिए तो लगभग 79-80, तो जिसकी रैंक लगभग 79 या 80 तक है ना, 79 या 80 मान लीजिए, तो 79 या 80 तक जिनकी रैंक दिखा रहा होगा उसका भी OBC वाले का सिलेक्शन हो सकता है। वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि कितने SC ST OBC के कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट यहाँ पर जनरल को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, यदि मैंने यहाँ पर 5-5 और यहाँ पर 10, तो 5-5-10 मतलब 20 सीट, तो 20 सीट यहाँ पर ये वाले कवर कर लेते हैं, तो फिर एक स्थिति यहाँ पर आने वाली है कि जो जिनको मैंने कहा था कि जनरल की कैटेगरी वाले, जनरल वाले कैंडिडेट जो 96 रैंक वाले हैं, अब इसमें से 20 पोस्ट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में अपन इसको माइनस कर देंगे 20 पोस्ट को। तो याद रखिएगा, अब जो जनरल प्योर जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका जिनका 76 यहाँ पे है ना, 76-75 जो भी, तो 76-75 के नीचे जिनकी रैंक होगी, उसके अंदर 76-75 के अंदर रैंक होगी, उनका जनरल वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, बाकी का इधर। तो ये सारी जो प्रोसेस है वही प्रोसेस सब में है ना, PNST में है, सॉरी PVFT में है, PNST में भी सेम ऐसा ही है। तो ये बात समझ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 41 है, जिसका 51 है, जिसका 69 है, उसे सिलेक्शन होगा, उसके नीचे भी 5 से 10 सीट आ सकती है, रैंक आ सकती है, और इसी को लेकर के फिर सेकेंड काउंसलिंग भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे एक बात और समझना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जो नीट के जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, और अभी नीट का जो है इसका काउंसलिंग वगैरह चालू हो गई, नीट की काउंसलिंग हो चुकी है, तो नीट की वो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने PVFT भरा हो, परंतु उनका नीट करने का नीट में सिलेक्शन हो गया हो किसी भी कोर्स में, या कोई उन्होंने कुछ और कोर्स ज्वाइन कर लिया हो, या उन्होंने कुछ और कॉलेज ज्वाइन कर लिया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे टॉप रैंक में है ना, तो वो सबके सब ज्वाइन करें। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं कि माना कि 267 है, तो ऐसा हो सकता है कि 17 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो नीट में चले गए या कोई और कोर्स कर लिया उनमें ज्वाइन हो गए, तो वहाँ पर काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति में ये रैंक और आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये 46 वाला हो सकता है कि 50 तक रैंक वाला, 50-55 तक रैंक वाला भी जा सकता है, ये 56 वाला 60 तक रैंक जा सकता है, ये जो 80 है ये 85 तक रैंक या 90 तक रैंक जा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा इन सब चीज़ों पर कि कितने लोग यहाँ पे इधर जा रहे हैं ST ST OBC के, कितने लोग जो है जनरल में जा रहे हैं अच्छा नंबर होने की वजह से, या कितने लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे काउंसलिंग में, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करेगी सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि जनरल वालों का सिलेक्शन, जनरल प्योर जनरल वालों का जो सिलेक्शन, जिसकी 80 के ऊपर रैंक है, 80 के अंदर रैंक है ना, उसका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मैं मोटा मोटा बोल देता हूँ, जिसकी 50 का अंदर रैंक है ना ST में, उसका होगा। यहाँ पे जो है लगभग 60 है ना, 60 के अंदर 60 के अंदर जिसकी रैंक है, ठीक है ना, लगभग 60 के ऊपर जिसकी रैंक है ना, अंदर 60 के अंदर जिसकी रैंक है उसका यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 80, ठीक है, 80 के अंदर जिसकी रैंक है उसका होगा EWS में, तो वही 10 से लगभग 12 जो है उसके अंदर रैंक। तो ये रैंक समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, के बाद अब कोई संभावना ही बचती नहीं है, 1-2 रैंक आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं काउंसलिंग में, या कितनी यहाँ पे जाती है, इसके हिसाब से ये थोड़ा सा आंकड़ा बदल सकता है ना, क्योंकि उसको तो मैं भी श्योर नहीं बता सकता कि कितने लोग भाग लेंगे, तो काउंसलिंग चालू होगी, प्रोसेस होगा, तभी समझ में आएगा कि कितने टॉपर यहाँ के इन कैटेगरी के टॉपर बंदे जनरल में जाते हैं और कितने लोग काउंसलिंग में साफ भाग नहीं लेते हैं उसके हिसाब से। पर मैंने एक मोटा मोटा 99.9 जो रेशियो है यही रहने वाला है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप। तो गुड लक।